अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ केक। चलें स्टार्ट करते हैं। ये मैं 3 फ्लेवर में बनाऊंगी। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं कि क्या क्या जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपने लेना है चॉकलेट चिप्स ब्लैक, और ये है वाइट चॉकलेट चिप्स, और ये कोको पाउडर, और ये मैंने जो डार्क चॉकलेट होती है इसको देखें मैंने डबल बॉयलर में मेल्ट कर दिया है। देखिए इस तरह से आपने इतनी इतना लिक्विड रखनी है। डबल बॉयलर में आप उसको वो कर सकते हैं लिक्विड। उसके बाद ये है क्रीम। आप क्रीम कोई सी भी ले सकते हैं, ऑल पर्पज़ की ले लीजिए या विपी विप ले लीजिए, तो ये विपी विप क्रीम है, ठीक है। और ये केक बना के मैंने पहले से रख दिया है, या आप देख लें टाइम कम था। तो इस केक की रेसिपी मैं आपको बहुत जल्द अपने डालूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा बनाकर। तो चलें आ जाते हैं क्रीम पे कि क्रीम सबसे पहले कैसे बनाते हैं हम। इस केक की क्रीम बनाने से सबसे पहले एक चीज़ का आप खास ख्याल रख लें कि जो क्रीम होती है वो चिल्ड होनी चाहिए, ठीक है। अब सर्दियों का मौसम है इसलिए मैं बना रही हूँ, क्योंकि मौसम ठंडा है तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर गर्म मौसम हो तो आप उसको उसके नीचे आइस रखें। बेहतरीन क्रीम बनाने के लिए आपने ये देखें क्रीम आप चेक कर लें इतनी है। जब ये फॉर्म इतना आ जाए तो आप समझ जाएं कि क्रीम रेडी हो चुकी है। जब तक आप इसको बीट करती रहिए। देखें मुसलसल बीट करने से ये हुआ है कि जो क्रीम हमारी इतनी सी थी, थोड़ी थी, वो इतनी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी हो गई है। अब ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, तो इसका मतलब ये अभी बिल्कुल भी नहीं हुई है। आप इसको दोबारा से इस तरह से करें। एक टिप आप और ले लीजिए कि आपको सिर्फ इस तरह से ही एक ही राउंड में घुमाना है, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आपने दोबारा नहीं घुमाना। इससे क्या होता है कि हमारी क्रीम फटने का डर होता है और अच्छी क्रीम नहीं बनती। तो आपने एक ही साइड घुमाना है, आप चाहे कोई सी भी साइड घुमाएं। ये देखिए हमारी क्रीम ये अच्छे से हो चुकी है। जब इस तरह से करने में ये देखें ये नोक बन जाए इस तरह से और इस तरह से ठहर जाए, तो आप समझ जाएं हमारी क्रीम केक के लिए बेहतरीन रेडी हो चुकी है। चलें अब हम दूसरे स्टेप पर आ जाते हैं। चलें अब हम दूसरे स्टेप पर आ गए हैं। अब हमें करना क्या है, ये जो केक है ये देखें इस तरह से ये पैक हुआ था। अब हम इसको इस तरह से नाइफ की मदद से बिल्कुल बीच में से ये सेंटर से आपको इस तरह से इसकी कटिंग करनी है, बिल्कुल ऐसे सेंटर में हाथ रख के, ताकि आपका जो केक है वो अच्छे से दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर से हो। ये देखें इस तरह से ये दो हिस्सों में हो गया, ठीक है। एक हिस्सा हम यहाँ रखते हैं। अब इसमें हम ये देखें ये मैंने दूध लिया है, इसमें मैंने डाली है चॉकलेट। ये जो मैं ये मेल्ट हुई भी रखी हुई थी ये वाली चॉकलेट मैंने डाली है, ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और एकदम खाने में बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम मस्त जो होता है ना नरम मुलायम, इस तरह से हो जाए। ये देखें क्रीम में मैंने ये थोड़ी सी ये जो मैंने मेल्ट की हुई थी चॉकलेट वो इस तरह से डालकर है, ये थोड़ी सी मैं और डाल देती हूँ इस तरह से, ये ऐड कर देती हूँ, और थोड़ा कोको पाउडर डाल के आप इसको इस तरह से बना लीजिए। देखें क्रीम हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब हम सारी इस तरह से जितनी भी क्रीम है सारी इस तरह से डालेंगे। काफ़ी सारी क्रीम लगानी है ताकि हमारा केक जो है बहुत जबरदस्त चॉकलेटी बने। अब उसको आप इस तरह से बैलेंस कर दीजिए। इस तरह से सारी क्रीम लगाने के बाद हमने इस तरह से ये सारी ये जो ब्लैक चॉकलेट्स है अच्छे से सारी इस तरह से हमें ढाल देनी है। ये अब इस तरह से ये जो वाइट चॉकलेट है, सिंपल कुछ भी नहीं करना हमने, बहुत इजी केक होता है। देखें किस तरह से कितना इजी तरीके से मैंने आपको बताया। ये देखें इस तरह से आपने सारा ये वाइट और चॉकलेट इस तरह से डाल दी। इस तरह से वापस आप केक को रख दीजिए। ये थोड़ा सा मैंने पार्ट निकाल दिया ताकि वो थोड़ा सा ब्राउन हुआ हुआ था इस तरह से। इसके बाद आप इसको फोक की मदद से थोड़ा सा इस तरह से आप इसमें छेद कीजिए,
इस तरह से, ताकि जब हम इसमें मिल्क डालेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाए। इस तरह से, ये इस तरह से, चले। अब व्हाइट क्रीम से हम इसको ऊपर लगाते हैं इस तरह से। ये देखिए काफी सारा लगाया आपने, और इस तरह से इसको नाइफ की मदद से आप इस तरह से और लगाया। ये देखिए इस तरह से आप इसको, ये देखिए ये करते जाएं और एक्स्ट्रा इसमें डालते जाएं इस तरह से। आपको पता चलता जाएगा खुद ही कहाँ से एक्स्ट्रा और कहाँ से नहीं। जहाँ से नहीं है वापस आप दोबारा से ऐसे लेयर लगा दीजिए। बस ये देखिए इस तरह से, ये देखें। अब हमें करना क्या है इस पे, ये जो हमने चॉकलेट गनाश बनाया था इसको इस तरह से आपने डाल देना, ये पूरा इस तरह से, इस तरह से करना थोड़ा आसान होता है। इसको बहने दें, ये बहती हुई अच्छी लगती है। ठीक, अब हम इस पे, चले अब हम बनाएंगे इस पे ऐसे करके फूल। अब इस तरह से आप साइड में इस तरह से फूल बनाते जाएं। ये देखिए इस तरह से, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से हमने सारी फ्लावर बना लिए हैं ऊपर नीचे, ये देखें जबरदस्त। अब ये जो स्प्रिंकल है हमारे, अब हमें स्प्रिंकल को ऐसे करना है जरा सा फूंक से इस तरह से लगाने, ताकि वो थोड़ी सी इसमें खूबसूरती आए। ये इस तरह से, अब ये मैं चेरी यहाँ रख दूंगी बीच में, और बस ये हमारा ज़बरदस्त केक तैयार है। अगर आप इसको चाहें तो और डेकोरेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, पर मैं इसमें एक चीज़ और रखूंगी, वो मैं आपको लाकर दिखाती हूँ अभी रखकर। अब ये चॉकलेट चिप है, वो थोड़े से हम इस तरह से ऊपर डाल देंगे, क्योंकि हमने ये चॉकलेट का बनाया, चॉकलेट और वैनिला का, तो इस तरह से हम ये चॉकलेट चिप सारे हमने इस तरह से ऐसे डाल दिए। थोड़े से वाइट भी डाल देते हैं, वाइट ज़रा अच्छे लगते हैं, ज़रा कलरफुल आ जाता है इसमें। चल अब हम इस तरह से एक एक मोती सिल्वर कलर की रख देंगे अपने केक को खूबसूरत बनाने के लिए। ये देखें इस तरह से आप डेकोरेट करें, अब आपकी मर्ज़ी, आपको जिस तरह से डेकोरेट करना चाहते हैं आप वैसे कीजिए, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। पर मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है ज़्यादा चॉकलेट्स खाना, तो मैं बड़े फ्लावर्स बना देती हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत, कितना हसीन केक, और कितना सस्ता इजी केक ये घर में आपको तैयार हो गया, बहुत ज़बरदस्त। तो आप क्या कहते हैं, मेरी इस वीडियो से आप बनाएं
और मुझे बताएं आपको कैसा लगा यह मेरा केक और ये मेरी रेसिपी, मुझे कमेंट्स में बताएं। और अब दीजिए मुझे इजाज़त। हाँ, आपने रेसिपी तो देख ली है, अब जल्दी से जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा और बेल को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। और मिलती हूँ मैं आपको नई एक वीडियो के साथ, जब तक ओके, अल्लाह हाफिज़।